मार्केट के अंदर आपने बहुत बार सुना होगा कि सोलर और इससे रिलेटेड जितने भी गैजेट्स है तो वो दिसंबर 2022 के बाद एकदम से वो महंगा होना शुरू हो गए। इसकी एक की वजह ये थी कि मार्केट के अंदर जितनी भी LLC ओपन होती थी वो बेसिकली बंद होना शुरू हो गई थी। डॉलर का शॉर्टफॉल की वजह से जो बाहर से हम चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे थे वो बेसिकली इम्पोर्टेज उसकी वो बंद हो गई थी या कम हो गई थी। इस वजह से मार्केट के अंदर आपने देखा होगा सोलर की प्राइसेस जो है वो एकदम से बूस्ट कर गई थी। बेसिकली बूस्ट करने का मतलब ये नहीं था कि इसकी प्राइसेस इंक्रीज हो गई थी, मतलब ये है इसका कि इसकी शॉर्टफॉल शुरू हो गया था और इसके जो स्टोरेज है जो लोग बाहर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मंगवाते थे वो बेसिकली कम हो गई थी और मार्केट के अंदर इस तरीके का क्राइसिस पैदा कर दिया कि आपकी सोलर की जो प्लेट है वो तकरीबन 80 पर वाट से लेके 138 पर वाट के ऊपर चली गई थी। बेसिकली आज एक गुड न्यूज से हम आपको एक गुड न्यूज भी देते जाएंगे कि मार्केट के अंदर सोलर और इसके जितने भी गैजेट्स इस्तेमाल होते हैं इनकी प्राइसेस जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गई हैं। तो जो मेरे भाई या जो मेरे कस्टमर जो थे वो सोलर के हवाले से परेशान थे कि एकदम से इनकी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो गई हैं, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा और डॉलर को कैसे काबू किया जाएगा, तो एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि सोलर की प्राइसेस, उसके अलावा जितने भी इस्तेमाल होने वाले गैजेट्स हैं, UPS हैं, वायर्स हैं, वो बेसिकली इनकी प्राइसेस जो है वो एकदम से कम होना शुरू हो गई हैं। किस सोलर प्लेट के ऊपर कितनी प्राइसेस कम हुई हैं, पर वाट मार्केट के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, ये सारी अपडेट इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो मेरा नाम है जावेद इकबाल और आप देखिए मेरा YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेंड। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोलर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर प्राइसेस में कमी आना शुरू हो गई है। इसके लिए इसकी वजह ये नहीं है कि इंडस्ट्री के अंदर कोई बूम आ गया है या इसके अंदर कोई ऐसी मतलब नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि डॉलर थोड़ा सा स्टेबल हुआ है और मार्केट के अंदर जितनी भी LLC वो दोबारा से ओपन हुई है और ये जो बड़े बायर थे या बड़े आपके इन्वेस्टर थे उन्होंने अपना माल जो है वो मंगवाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पुराना माल जितना भी था मार्केट के अंदर जो शॉर्टफॉल की सूरत में वो सेल कर रहे थे इसको दोबारा रिस्टोर किया गया है और प्राइसेस जो है वो इसी वजह से डिक्रीज की गई हैं, क्योंकि इसकी जो आपकी डिमांड और सप्लाई का जो सिस्टम होता है उसको बहाल किया गया है। इस प्लेट के ऊपर कितना मार्जिन जो है वो डिक्रीज किया गया है, अगर इसकी ओवरऑल की बात करें तो मार्केट के अंदर जितने भी ए ग्रेड पैनल या बी ग्रेड पैनल है इसके ऊपर तकरीबन 30% के ऊपर जो है वो डिक्रीज आ गया है प्राइस के ऊपर। ये कब से लागू होगा और कब किस प्राइस के ऊपर, अभी करंटली जो रेट मिलता है वो अभी मैं स्टूडियो के अंदर बताऊंगा। अगर हम इसकी बात करेंगे कि सोलर पैनल के ऊपर हमारे पास कितना जो है वो शॉर्टफॉल आया है या इसकी प्राइसेस कितनी गिरी हैं, तो बेसिकली मेरे पास अभी जो करंट अवेलेबल हैं वो बेसिकली 3 किस्म के पैनल अवेलेबल हैं, जो कि 545 वाट जो कि नामी ग्रामी पैनल है और बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर यूज़ होता है। 545 वाट लॉन्जी कंपनी का है और साथ में ये मोनो पर हाफ पट के साथ बाई फीचर पैनल इस्तेमाल के जो हमें अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास जो अवेलेबल पैनल है वो बेसिकली पोली का कैनेडियन पोली और 250 वाट के अंदर अवेलेबल है, साथ में सेम कंपनी का 180 वाट के ऊपर भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसकी प्राइस जो है अभी अपडेट है। अगर हम इस पैनल की बात करें बेसिकली ये 545 वाट के अंदर जो बाई फिशर पैनल आता है, बेसिकली ये सबसे नामी ग्रामी पैनल था जो कि 138 रुपये पर वाट के हिसाब से हमने इसको बहुत बार इंस्टॉल किया है। लास्ट 2023 में जनवरी से लेकर मिड ऑफ मार्च तक ये इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज थी और बहुत ज़्यादा सेल होने वाला पैनल था। बेसिकली ये इसी वजह से पैनल होता सेल होता था क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो सबसे मैक्सिमम होती थी। अगर अभी प्राइस की बात की जाए तो बेसिकली ये अभी 95 पर वाट से लेके 106 से 107 रुपये पर वाट के हिसाब से मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जो कि कैनेडियन का ही होगा और साथ में एक ग्रेड पैनल भी होगा। अच्छा, इसमें ये मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करता चलूँ, बेसिकली ये डिपेंड कर रहा था कि आप किस लोकेशन के अंदर हैं, आप किस ब्रोकर से बाय कर रहे हैं और साथ में आपको जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो कितनी पड़ रही है। बेसिकली अगर आप किसी भी शॉप के ऊपर जाके अगर इसको बाय करते हैं तो आपको ट्रैवलिंग के जो एक्सपेंस है उससे कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से 1 से 2 रुपये का इसका मार्जिन आपको मिल जाता है। नॉर्मली ये है कि आपको तकरीबन 100 रुपये पर वाट के ऊपर ये जो दुकानदार है वो सेल आउट कर रहे हैं। और अगर इस पैनल की बात करूँ, ये बेसिकली पोली का पैनल है, ये थोड़ा सा यूज पैनल है क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली यूज में इस्तेमाल होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नए को प्रेफर नहीं कर रहे होते, बल्कि ये पुरानी कंपनी या जो इससे पहले जो टेक्नोलॉजी आई थी इसको वो यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली ये मोनो पर हाफ कट नहीं है, ये सिंपल पैनल है, तो इनकी भी प्राइसेस जो है वो तकरीबन 95 पर वाट के हिसाब से आ रही थी। इसकी एफिशिएंसी और जो बाकी चीज़ें हैं वो तकरीबन हमने इसको 5 साल चलाने के बाद भी चेक किया तो ये 100% के ऊपर ही है। अगर इसके अलावा मार्केट के अंदर जितने भी आपको सोलर के गैजेट्स मिलेंगे तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर प्राइसेस के हिसाब से डिफरेंस तो आएगा। इसके अलावा सोलर के ऊपर जितने भी एक्सेसरीज इस्तेमाल होती हैं इनके ऊपर भी आपको अच्छी खासी रियायत मिल सकती है।
अगर कोई भी कस्टमर जो है वो सोलर को बाय करने के लिए जाता है जो कि अप्रैल के अंदर जाएगा, उसकी करंट मार्केट के अंदर जो वैल्यू है वो बेसिकली 95 से लेके 106 पर वाट के हिसाब से दी जाती है। बेसिकली डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी क्या है, इसका ग्रेड क्या है और साथ में आप कौन सी टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वीडियो भी होते हैं अपडेट और जितना भी आपको डाटा ये दिया जाता है बेसिकली ये डॉलर के ऊपर ही बेस कर रहा होता है। और साथ में साथ में मैं आपको बताता चलूं कि इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम सोलर को ही कवर कर रहे हैं, इससे अगले आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सोलर प्लेट, सोलर स्टैंड, इसके अलावा यूपीएस के अंदर जितने भी इन्वर्टर अपडेटेड इस्तेमाल किए जाते हैं इसकी कैटेगरीज को डिफाइन करेंगे और साथ में इसकी प्राइसेस को भी मेंशन करेंगे। इसके साथ साथ मैं बताता हूँ कि इसके अंदर बहुत बड़ी कास्ट जो होती है ब्रेकर्स और वायर की इस्तेमाल की होती है। ब्रेकर्स और वायर के अंदर की मैं आपको बताऊँ कि ये इसके अंदर भी काफ़ी सारी प्राइसेस जो है वो कम की गई हैं। अगर मैं प्राइसेस की बात करूँ तो करंटली मैं इस वीडियो के ट्यूटोरियल के अंदर उसको मैं ब्रीफ नहीं कर सकता, इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर उसको ब्रीफ करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।